हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जो ब्लॉग बना रहे हैं वो थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं अकेले एक डॉग को लेने जा रहा हूं जो कि जर्मन शेफर्ड मिक्स ब्रीड टाइप में हो सकता है। वो कुड़ी साइड का एरिया में है, तो अब हम उसके पास जाएंगे, ओनर से बातचीत करेंगे, देखेंगे वो डॉग किस टाइप का है। एक्चुअली इतना एग्रेसिव है कि ओनर उसे ला भी नहीं सकते, इसे हमें पर्सनली बुलाया है। तो देखते हैं, वहाँ जाते हैं, सर से बात करते हैं क्या है कैसे है, और फिर उसे ट्रेनिंग स्कूल में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, उस डॉग के पास। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और प्रैक्टिस करने से सब चीज आसान हो जाती है। सबके सब लगभग हम पहुंच चुके हैं। ये अपार्टमेंट से कहीं से आया है, मुझे लोकेशन जो भैया ने भेजा वो इन अपार्टमेंट के अंदर है। लगता है वो डॉग एप इसके अंदर ही रहता होगा कहीं। The destination is on your left, Kuri Bhagatazni Housing Board Colony. फ्रेंड्स, एक्चुअली जो लोकेशन है वो थोड़ा सा गलत शो कर रही है क्योंकि सर ने शायद, हो सकता है, व्हाट्सएप में जाके लोकेशन पर जाके थोड़ी देर वेट ना किया और डायरेक्ट सेंड कर दिया हो, तो उसने आसपास की लोकेशन कैच कर ली है। तो अब वो हमें यहाँ लेने आएंगे क्योंकि मुझे इस एरिया का ज्यादा पता नहीं है। तो अब हम इस गली में जा रहे हैं। ये जो रेड कलर के सर खड़े हैं, इन्हीं का डॉग है, ये हमें यहाँ लेने भी आए हैं। बताओ इसके बारे में हमें, क्या है कैसा है। फुल इसकी हेल्थ दे रखी है और ये नेचर है। ये सारे बाल खड़े हो गए हैं। अब ये बताओ, ये मैं अंदर आया हूँ, ये कंटिन्यूसली मुझ पर वॉक ही रहा है। जी वीडियो बनाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। और इसको है ना, दूसरों से मिलने में बहुत ज्यादा आपत्ति है। ओके, और आज दिन तक कभी किसी को काटा? किसको? ओके, बाहर किसे काटा? बाहर तो क्या शिशु करा था इसको। अच्छा, यहाँ पर सामने। अच्छा, लड़का जा। अच्छा, काटा कभी था लास्ट? अच्छा, महीने भर पहले। ओहो, फुल इसे टाइम भी लगेगा शॉल होते हुए। अभी मुझे करीबन 15 मिनट हो गए हैं, अभी कंटिन्यूसली वॉक ही रहा है। उसका पावर बहुत ज्यादा है और वॉक ही रहा है, कितना लड़ाकू है, हर चीज को फाड़ देता है। इसको खुला इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये सब पौधे उखाड़ दे रहा है, कुछ भी चीज फाड़ देता है, जैसे वो बॉल की हालत देख रहे हो आप, उस टाइप से कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा, कभी भी किसी डेंजर डॉग को अचानक मिले तो आपको कैसे हैंडल करना है, वो भी इससे सीख सकोगे आप लोग। धन्यवाद। किसी को भी सर कह रहे कौन क्या जाता है, काट लेता है ये, इसके नेचर से तो है। इसको बाहर घुमाना बंद ही कर दिया क्या, लोगों से मिला वगैरह बंद कर दिया? लोगों लगता है वो काट दे, काट दे इसलिए। हाँ, वो भी है ना, बाकी तो मैंने कहा कोशिश की, काट गया था। नहीं, क्या कह रहा हो, कितने किला तो कम पड़ता है? अच्छा, रस्ते में हुआ तो भी कुछ खा लेगा, वो भी खा लेगा। मतलब खाना कम ही पड़ता है इसको। अच्छा, गायों को पकड़ लेता सबको। खैर, अच्छा, रोटी वगैरह कहीं टंगी होगी तो खेच लेगा, उतार लेगा। ठीक है, इसका
कि आप लोगों ने कितनी फूटी थी। ठीक हो जाएगा इसका। हाँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब आप इसको मस्त टाई करो और बाहर लेके चलो। बस ये वाला इतना ही रखो। कैमरा मैन रहता साथ में तो मस्त बना सकता था। अब ये डरता है, इसे खोल दिया और साथ में बाहर घुमन लाए। अभी भी मुझसे डरता तो है। पहले सुसु बाथरूम करने देते हैं इसको। ये फुल अग्रेसिव डॉग है, फुल अग्रेसिव। इसको हो सकता है महीना डेढ़ महीना लग गया। हाँ अभी हटा देना, बाद में फ्रेश होएगा, टेंशन मत लो। अभी मैंने भयानक डराया है, कम थोड़ा डराया है। इसकी लाइफ का भयानक डराना इतना ही काफ़ी है। और ये गाड़ी में ये चीज़ें ना करे, इसलिए ये आपसे ये करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ कर लेगा, समझ रहे हो? नहीं तो मेरे साथ तो करेगा भी नहीं। ठीक है, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे रहो, मैं जाता हूँ, देखते हैं अब भौंकता है कि नहीं भौंकता है मुझे। हो अब देखो, मुझे भौंक ही नहीं रहा है, ये फर्क पड़ा। देखो ये बिरा से रखो, ध्यान रख लिया लड़े तो। ये हुआ इतना, फिर गुड रहा। देखा, इसको यहाँ बांधो, हाँ उसी चैन से बांधो जो छूटे नहीं। आपको अब कुछ नहीं करेगा, बेफिक्र रहो, क्योंकि मुझसे अब डरता है बस। आपको तो भाई, आप ही तो इसके अब बचाने वाले रक्षक हो ना। नहीं आपको नहीं काट सकता, अभी कुछ नहीं काट सकता। अभी मैंने नहीं पता, बाहर जाओगे तो भी सीन अलग हो गया। ये देखो, पास आना चाहता, कहाँ आ रहा आपके पास? बुलाओ यहाँ, बुलाओ। ना कहाँ आ रहा मुन्नू, क्यों तुझे फिर उड़ रहा? ना घुड़ रहा है, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं। शांत, कुछ भी नहीं करता मैं। है इसकी नोजल है कार में रखने के लिए, क्योंकि मैं स्टाफ नहीं है मेरे पास, अब स्टाफ की तकलीफ रहती है मुझे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसे ले लिया है टाइसन को पीछे। अभी मतलब सर्दी का मौसम है, फिर भी मैंने एसी रखी है बहुत फोर पर। कारण है उससे बहुत ऐसा हो रहा है, और हल्का मैंने कांच भी खुला रखा है, जिसकी वजह से उसको ऐसा उल्टी जैसा फील ना हो और गाड़ी गंदी ना करे। और नोजल खोलने की एक दो बार ट्राई किया, लेकिन अब नहीं खोल रहा है और ठीक है अभी तो। अब हम बाकी का वीडियो घर जाने के बाद बनाएंगे। अब मैं इसे अपने गली में लेके आ गया हूँ। गाड़ी में इसने जो पीछे वाला मिरर था उसको पूरा स्क्रैच कर दिया है। तड़प तड़प के पूरा स्क्रैचेस मार दिए पीछे वाले विंडो पर। पर चलो कोई नहीं, अगर ये ख़राब कर रहा है तो यही लोग नई गाड़ी दिलाएंगे इनके लिए सब कुछ, और ये फिर हमारे लिए सब कुछ। अभी तो नॉर्मली चल रहा है।